यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है, हार्वर्ड स्टडी बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में कोई स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी, ये स्टडी हो चुका है। और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है, और डुमाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, कोई जमीन नहीं, कमाल ये है, कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जी, हमने 9 साल देखा है माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह, माननीय आप सदन के नेता हैं, आप माननीय सदस्यों को समझा दें, लोकतंत्र के लिए जिसकी आवश्यकता है, संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोलें। नो, आपने भी बोला है, गलत तरीका है ये, बैठ जाइए, गलत तरीका है। जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए, प्लीज बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है, और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे, मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे,
लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी जीवंत संगठन होता है, अगर जीवंत व्यवस्था होती है, जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, वे जनता जनार्दन में क्या चलता है, लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है, उसे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है। लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली देकर के ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दिए हैं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिए हैं। एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा आप करें क्या, तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो कानून बना दिया है, ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया।